सोनीपत के राय विधानसभा से भी एलएसपी प्रत्याशी राजकुमार से हमारे संवाददाता जयदीप राठी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जनता परेशान है, जनता के हित में काम करूंगा। साथ ही उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय बाकी रह गया, कल आखिरी दिन है और आज हमारे साथ राय विधानसभा से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार शर्मा जी हैं, नामांकन के लिए पहुंचे हैं। शर्मा जी, किस तरीके से देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को? नामांकन नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है मैंने। मैं गरीब जनता के साथ मिलजुल कर इनके जो दुख दर्द हैं वे दूर करूँ। नामांकन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो 5 साल से बीजेपी की सत्ता है प्रदेश के अंदर, तो 75 पार का नारा लेकर बीजेपी चल रही है, तो कैसे देखते हैं कि क्या किस तरीके से उनका जो विजय है उसको रोक पाएंगी? आप कैसे टक्कर देंगे अपने हलके के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी को? ये 75 पार का बातों का नारा है, ऐसा कुछ नहीं। हलके में सब जनता परेशान है, हर एक आदमी परेशान है, बहुत ही दुखी है। ऐसे 75 कोई पार नहीं हुई, 25 पार होनी है, 25 पार पर भी जाना सकता। जनता, हर आदमी जाग चुका है, वो ये चाहता है समानता की लड़ाई के लिए। समानता की लड़ाई सिर्फ राजकुमार सैनी जी ने उठाई है और किसी नेता ने नहीं उठाई। पीछे 10 साल कांग्रेस का राज देखा, अब लगातार 5 साल बीजेपी का राज देखा है, कुछ सरकार ने किया नहीं, खाली बातें और टेलीविजन में एड और इसी में चले गए पूरे 5 के बाद। तो क्या राजकुमार सैनी की पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्याएं देखते हैं कि 5 साल के अंदर उनका काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? राय हल्के में कोई भी रोड मतलब कि सब टूटे फूटे पड़े हैं, बिजली से परेशान लोग, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हर आदमी परेशान है। और अब चलानों के बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है, लोग हर घर आदमी परेशान है, किसी के पास गाड़ियाँ तो है नहीं, सबके पास मोटरसाइकिल स्कूटर हैं, इनके इतने बड़े बड़े चलान कट जाते हैं, बांग्लादेश की तनख्वाह मिलती है, चलान अमेरिका के कटने लग रहे हैं। ये कैसा रूल है, कैसा कानून है, हर आदमी परेशान है। तो क्या मुकाबला किसे देखते हैं? कांग्रेस से रहेगा, बीजेपी से रहेगा, किससे? बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला शायद कांग्रेस से आ सकता है, क्योंकि बीजेपी से सारी जनता परेशान है, सब तंग आ चुके हैं सारे आदमी। बिल्कुल, ये थे राजकुमार शर्मा जो यहाँ नामांकन करने पहुंचे। उनका कहना कि बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल से जनता दुखी है और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और इसी के आधार पर जनता का वोट हासिल करेंगे। सोनीपत से जयदीप राठी, R9 TV।